आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? मित्रों स्पानयार्ड में कूटणखाणू चलावता मोटा रॉकेट नो पर्दाफाश थयो छे। मित्रों जुओ आ युवतीओने ज्यारे पोलीसे पकड़ी तो एमनी पासे शू शू निकळ्यु। अने मित्रों आ पकड़ायेली युवतीओमां फॉरेन एटले के थाईलेंडनी पण युवतीओ सामेल हती। अने मित्रों स्पा मसाजना नामे अहींया जे काम थतुं हतुं एना विशे पोलीसने जाण थता पोलीसे तरत ज कार्यवाही हाथ धरी अने ग्राहक बनीने गई। अने अंदर जता ज तमाम जे हकीकत मित्रों सामे आवी गई हती। आमां पकड़ायेली युवतीओने ज्यारे पोलीस स्टेशन लावामां आवी त्यारे एमणे राज जे खोल्या छे मित्रों ए सांभळीने तमे ચોંકી જશો। જ્યારે આ છત્તીસગઢના દુર્ગ જિલ્લાની ઘટના છે મિત્રો, ત્યાંના આઈપીએસ અભિષેક પલ્લવ સમગ્ર દેશમાં જાણીતા છે। ત્યારે મિત્રો એમણે જુઓ તમામ પોલીસ અને મહિલા પોલીસ સહિત સમગ્ર મીડિયાની હાજરીમાં આ છોકરીઓ પાસેથી જે વાતો બહાર કઢાવી એ જોઈને તમામ લોકો શરમાઈ ગયા। જુઓ મિત્રો શું કીધું આ યુવતીઓએ। પણ એ પહેલા મિત્રો આવું નવા અપડેટ માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટન દબાવી દેજો જેથી આવું નવા વિડીયો તમને પહેલા મળી જાય। તો જોઈએ મિત્રો શું કીધું આ યુવતીઓએ। बताओ भाई वहाँ क्या होता है, क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम पे गए थे। होता क्या है थेरेपी के नाम पे, वहाँ पे क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहाँ पे? गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? नहीं था सर। अरे भैया पुलिस की अपनी वीडियोग्राफी है भाई। स्प्रे लाना थी था ना यहाँ पे? ठीक है, जो गलती किए हो तो मानो कम से कम। ठीक है, कहानी सुना रहे हो अलग मुझे। कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे। जनाब ने पिछले एक महीने में कितना दो तीन महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तुम वाइफ ले चुका है भाई, इतना तो एंट्री है। विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। किचन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ कपल रूम। मैडम हम लोग का ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहे थे। ठीक है, लड़कियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि कुछ स्पा जैसी मसाज जैसा कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एक ही काम होता है जो उनको पहले से बताया गया होता है। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, बैंगलोर से आई थी। और यहाँ पे जो कल छापा पड़ा है उसमें बात आई है कि आप लोगों के साथ शोषण हुआ है, क्या ये बात सही है? अंदर में थे आप लोग, अंदर में क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों का अंदर? तो आपको लगा नहीं कि काम गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए? सैलरी कितना देते हैं आपको? आपके साथ भी ये गलत काम हो रहा था क्या यहाँ पे? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं ये क्या करने आए थे वहाँ पे? एक्चुअली मैं 5 महीने से हूँ यहाँ पर, तो मैंने एक महीना पहले जॉब छोड़ चुकी थी। तो कल मैं मेरा जो कपड़ा वपड़ा था वहाँ पर, क्योंकि 25 तारीख को मेरा फ्लाइट कट हो गया था, मेरे को वापस जाना था, तो मैं वो कपड़ा लेने गई थी। तो सडनली ऐसा हुआ था मेरे को कुछ एक ही बताओ, पुलिस की तो कार्रवाई हुई ना, पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आप बताओ? क्या चीज़ के लिए कार्रवाई हुई पुलिस की? किस अच्छाई के लिए हुई? हाँ क्या हो रहा था वहाँ पे बताओगे तब ना, कुछ गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब ये बताओ, चलो क्या हो रहा था मैं बताओ, गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो फिर वो आगे वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे फिर करना पड़ेगा भाई, सब पे कार्रवाई करें।